हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को कैलकुलस मेथड से ड्राइव किया था और आपको उस टाइम ये बताया था कि हमारे पास चार इक्वेशंस होंगी इस बार। तो जो चौथी इक्वेशन आज हम करने जा रहे हैं वो है डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड इन अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में किसी nth सेकंड का अगर डिस्टेंस निकालना हो, nth सेकंड का मीनिंग क्या हुआ कि आप ट्रेवल मोशन में हो और आपने मान लीजिए 10 सेकंड तक मोशन में आप रहे और कोई आपसे ये पूछ ले कि ये बताओ सिर्फ 10वीं सेकंड में 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको कोई मतलब नहीं है आपने कि टोटल 10 सेकंड में आपने कितना किया। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा आपसे 10th सेकंड का बताओ, या फिर कोई कहे 5th सेकंड में कितना किया, 4th सेकंड में कितना किया, तो वो जो किसी सेकंड का डिस्टेंस निकाला जाता है वही हम इस इक्वेशन की हेल्प से निकालेंगे। देखो सिंपल सी ट्रिक है इसकी, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप निकालोगे कैसे, आप कंफ्यूज नहीं होना। मान लो आपको ये कहे कि आप 5 सेकंड तक चले, ये कोई पाथ है, 1 सेकंड में यहां पहुंचे, 2 में यहां, 3 4 5। आपको कोई कहे कि ये बताओ 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने, सिर्फ आपको ये वाला डिस्टेंस बताना जो आपको 5th सेकंड में लगा, इन बाकी सबको छोड़ देंगे। तो देखो कैसे निकालोगे, सिंपल सा है। टोटल 5 अगर आपको पता हो, टोटल 5 सेकंड में कितना चले, उसमें से पहले वाला टोटल 4 अगर घटा दें तो सिर्फ क्या बच जाएगा, अगर इतने में से इतना घटा दूं सबट्रैक्ट कर दें तो सिर्फ क्या बचेगा, यही तो बचेगा, यही तरीका है हमारे पास निकालने का। अगर वो कहे 3rd सेकंड में बताओ ये, तो टोटल 3 सेकंड में से पहले 2 सेकंड का डिस्टेंस घटा दो तो वो सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, आपके पास 3rd सेकंड का बच जाएगा। तो इस तरीके से हमने इनको सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है। तो देखिए तीन चीजें हमें यहां पर चाहिए, पहली टोटल डिस्टेंस n सेकंड, जितने भी n सेकंड में वो चला, फिर उससे एक कम ताकि हम किसका पता लगा सके, nth का पता लगा सके। दोबारा देख लीजिए, मान लीजिए यहां से स्टार्ट हुई 0 सेकंड और चलते चलते यहां तक वो n सेकंड में पहुंचा, लेकिन हमें तो क्या कहा गया nth, n की वैल्यू अगर 50 है तो हमें तो उस 50वीं सेकंड का ही बताना है। तो उसका मतलब है कि n से पहले क्या आएगा, n माइनस 1। तो अगर टोटल n में से आप इस n माइनस 1 तक को माइनस कर दोगे, अगर ये 50 है तो ये क्या होगा 49, 50 में से 49 माइनस करोगे तो सिर्फ कितना बचेगा 50th बचेगा। तो उसके लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम यूज करते हैं वो सेकंड यूज करते हैं, as s किसके इक्वल होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। nth सेकंड में कितना, n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, sn टोटल डिस्टेंस इन n सेकंड इक्वल्स टू u, अब n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, सेकंड बोल रहे हैं ना साथ में, n सेकंड, n माइनस 1 सेकंड, बार-बार सेकंड बोला जा रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो t की जगह हम क्या लिखेंगे, t भी टाइम था तो t की जगह आ गया n, क्योंकि दोनों टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाफ an स्क्वायर। ये डिस्टेंस किसका, टोटल n का, लेकिन आपको किसका निकालना है माइनस करने के लिए, n माइनस 1 का, तो वो भी देखो, तो s n माइनस 1 कितना होगा, जहां जहां आपने t की जगह n पुट किया था अब वहां पे आप t की जगह क्या पुट कर दोगे, n माइनस 1, तो u n माइनस 1 आप a n माइनस 1 का। अब ये आ गया टोटल n का डिस्टेंस, ये है उसमें से एक कम तक का, आपको क्या निकालना है nth। तो nth कैसे निकालोगे, s nth डिस्टेंस ऑफ nth सेकंड किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस ऑफ टोटल n सेकंड माइनस डिस्टेंस ऑफ n माइनस 1। जैसे अगर डिस्टेंस निकालना है 50वीं सेकंड का तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ 50 माइनस डिस्टेंस ऑफ 49, तो 50वीं सेकंड का आ जाएगा वही है, देखो 5th का यानी 50th का यानी कि nth का टोटल 50, उसके लिए n एक कम है तो उसके लिए n माइनस 1।
अब वैल्यूज पुट कर दो एस एन और एस एन माइनस वन की। देखिए एस एन की जगह आप लिखोगे यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, यहां आएगा यू एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन का स्क्वायर, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस। पहले ब्रैकेट के अंदर की चीजें सॉल्व कर लेते हैं, यू की मल्टीप्लाई एन से किया तो यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। फर्दर एक बार वर्ड यूज करते हैं यू एन हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, देख लीजिए यू एन माइनस यू प्लस इस फैक्टर को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हाफ ए को इसके साथ करोगे तो वन बाई टू ए एन स्क्वायर प्लस इसके साथ करोगे तो ए, माइनस का साइन है तो माइनस टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा ए एन आएगा। ब्रैकेट हमने अंदर से सॉल्व कर चुके हैं, कोई अंदर से कुछ सॉल्व नहीं होना, अब सिर्फ क्या होना है इस माइनस साइन के बीच पे अंदर के सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे। तो देखिए यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, मैं अंदर लेके जा रहा हूँ माइनस के साइन को, ध्यान से देखो ये हो जाएगा माइनस का यू एन, ये प्लस का यू, ये माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर, ये भी माइनस का हाफ ए और ये प्लस का ए। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यू एन प्लस का यू एन माइनस का, प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर, चार मेजर टर्म में यहाँ से माइनस हो गई, क्या बचा आपके पास यू माइनस हाफ ए प्लस ए एन एन वन सेकेंड। इसको भी कर सकते हैं हम कैसे, इस ए एन को पहले लिख दीजिए माइनस हाफ बाद में लिख लिया, लास्ट वाली दो टर्मों में से ए कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा एन माइनस हाफ, इनका एलसीएम अगर आप लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास टू एन माइनस वन बाई टू। तो सिंपली सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी एस एन एथ वो इक्वल होगी आपके पास, वो आ जाएगा आपके पास यू प्लस ए, टू को बाहर ले लो डिनोमिनेटर से और ये बच गया टू एन माइनस। अब यहाँ तो आपने देखो 50वीं में से 49 वाला माइनस किया था लेकिन फाइनल रिजल्ट कितना इजी आया। अगर आपको कहें कि कितने सेकंड का निकालना है 50वीं सेकंड का निकालना है तो आप एन की वैल्यू वहाँ पर 50 पुट कर देना, बाकी ए आपको पता ही होगा एक्सीलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, सिंपल आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जो आपको डिस्टेंस देगा जो आपने इसमें ट्रेवल किया किसी भी एन सेकेंड में, किसी भी सेकेंड में आपसे जो पूछा जाएगा। तो ये चार इक्वेशंस हैं जो हम यूज़ करने वाले, तीन आप ऑलरेडी जानते हो बस हमने ड्राइव अलग मेथड से किया है, ये फोर्थ है जो हमने यहाँ पर निकाली है। इसके बाद हम मोशन ग्रेविटी की वजह से स्टडी करेंगे, ये न्यूमेरिकल पर्पस में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैथमेटिक्स है टोटल, ब्रैकेट्स ओपन किया, माइनस साइन को आप अंदर लेके गए, साइन चेंज हुए, चीज़ें कैंसिल आउट हुई आपस में, सिर्फ आपने कलेक्ट कर लिया रिजल्ट को, ठीक है, इसको आपको रिवाइज कर लेना है।